मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और घर पर ही रह रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक समस्या लेके आई। मैं अपनी इस गाड़ी को इस जगह पे के अंदर खड़ा करना चाहती हूँ। क्या ये गाड़ी इसके अंदर जा सकती है? नहीं जा सकती। क्यों? यहां से नहीं जा सकती, इस रास्ते से नहीं जा सकती, इधर से भी नहीं जा सकती, सब तरफ से क्या है? बंद है। बंद है ना? तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? बंद आकृति कहते हैं। कैसी आकृति है ये? एक बंद आकृति है। तो अगर मैं इनमें से एक भी स्केच पेन हटा देती हूं तो अब ये गाड़ी इसके अंदर जा सकती है। अब ये आकृति कैसी हुई? खुली आकृति थी। खुली थी तो इसके अंदर जा सकते हैं, और बंद है तो हम उसके अंदर नहीं जा सकते। ठीक है बच्चों? तो जो बंद आकृति होती है वो हम बनाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे ये आकृति थी, ऐसी ही कुछ आकृतियां हम बनाएंगे। तो हम स्केच पेन की हेल्प लेंगे ये आकृतियां बनाने के लिए। आप सब भी स्केच पेन ले सकते हैं या माचिस की तीलियां ले सकते हैं, उनकी हेल्प से आप आकृति बनाइए। तो सबसे पहले हम लेंगे एक स्केच पेन। तो एक स्केच पेन से हम एक आकृति बनाने का, बंद आकृति बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्या बन सकती है एक स्केच पेन से एक बंद आकृति? क्या ये एक बंद आकृति है? ये तो सिर्फ एक रेखाखंड है, कुछ भी नहीं है, और है ना? दो से बनाने का प्रयास करें। ये दो स्केच पेन रखे हैं मैंने, तो ये एक बंद आकृति नहीं है, ये एक खुली है। इसके अंदर भी ये गाड़ी जा सकती है, जा सकती है ना? और किसी दूसरी तरह से रखूं तो भी जा सकती है। जा सकती है गाड़ी? हां जी, बिल्कुल जा सकती है इसके अंदर गाड़ी। तो अब और कैसी बंद आकृति बनाए? दो स्केच पेन से तो नहीं बनी, अब हम प्रयास करते हैं तीन स्केच पेन से बनाने का। तो अब मैंने ले लिए हैं तीन स्केच पेन। ये एक बंद आकृति ये बन गई, और बनाए। अलग तरह से लगाएंगे, यूं यूं और यूं। इस बंद आकृति को मैं एक व्हाइट पेपर पे ट्रेस कर लेती हूं। मैंने व्हाइट पेपर ले लिया है और मैं इसको अब इन्हीं को इसी तरह से इस पे रखकर, जिस तरह से यहां रखी थी उसी तरह से यहां रखूंगी, और इसकी एक आउटलाइन ले लूंगी। इस तरह से आप भी इसकी ट्रेसिंग ले सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला ट्रायंगल, या त्रिभुज कह सकते हैं हम। तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो ये त्रिभुज मैंने बना लिया है। इसी तरह इस त्रिभुज को भी मैं व्हाइट पेपर पे ट्रेस कर लूंगी। इसी तरह से अब हम ये दूसरे तरह के त्रिभुज को बना लेंगे और इसकी भी आउटलाइन ले लेंगे, ताकि हम बाद में इसको कट कर सकें। ये मैंने इसकी भी आउटलाइन ले ली है, और अब मैं दोनों त्रिभुज को कट कर लूंगी। हमारे दो त्रिभुज ये थे, एक इस तरह से और एक इस तरह से, मैंने दो त्रिभुज बनाए हैं। और मैंने इन दोनों की ही आउटलाइन ले ली है और उस आउटलाइन को मैंने कट कर लिया। देखिए, ये इसकी है और ये
इसकी है, ये इन दोनों को अच्छे से ढक पा रही हैं, इसकी आउटलाइंस है इसलिए ही ढक पा रही है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये दोनों समान है या नहीं है। तो अगर हम इसको घुमाकर और इन दोनों को मिलाते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि आपको दूसरा त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा होगा, दोनों त्रिभुज ने एक दूसरे को अच्छे से ढक लिया है, ढक रखा है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम तीन समान आकार की माचिस की तीलियों या स्केच पेन या कोई भी वस्तु लेकर अगर हम दो त्रिभुज बना रहे हैं तो ये दोनों त्रिभुज समान आकार के बनेंगे और इनमें कोई अंतर नहीं होगा, ये एक दूसरे को अच्छे से ढक पाएंगे। अब हम इसी तरह से और भी आकृतियां बनाते हैं। अब मैं चार चार स्केच पेन के प्रयोग से दो आकृतियां बनाऊंगी और हम देखेंगे कि क्या ये दोनों आकृतियां समान हैं या नहीं है। इनको भी मैं पेपर पे ट्रेस कर लूंगी बनाने के बाद और फिर उनको कट कर लूंगी। एक मैंने ये बनाया और एक ये बनाई है, दो आकृतियां मैंने समान आकार के चार स्केच पेन लेकर और ये बनाई है, चार स्केच पेन से या चार भुजाओं से बनी जो भी बहुभुज है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तो मैंने इन दोनों की ट्रेसिंग भी ले ली है और उनको पेपर पे कट कर लिया है। देखिए ये इसको अच्छे से ढक पा रही है और ये ट्रेसिंग इसको अच्छे से ढक पा रही है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये दोनों ट्रेसिंग बराबर हैं। तो अगर ये बराबर होंगी तो घुमाने पे ये एक दूसरे को अच्छे से ढक पाएंगी, पर आप देख पा रहे हैं कि ये दूसरा कागज हमें दिखाई दे रहा है, इसकी अच्छे से घुमाने पर भी ये एक दूसरे को अच्छे से ढक नहीं पा रही हैं, कुछ हिस्सा दूसरे का दिखाई देता है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये दोनों समान आकार की नहीं है। तो इसका क्या कारण है, ऐसा मैंने क्या परिवर्तन कर दिया कि ये दोनों समान नहीं है। देखिए आप देखकर बताइए कि क्या बदला है मैंने। आप देख पा रहे होंगे कि इनको तो मैंने एल शेप में रखा है और इनको वी शेप में रखा है, इनकी आकृति बदल दी है मैंने। तो आकृति इनको रखने का तरीका बदलने से क्या बदल गया, देखिए ये वी शेप में है और ये एल शेप में है। तो ये जो एल शेप में है उन दो भुजाओं के बीच में जो ये झुकाव है इसको हम कोण बोलते हैं। यहां पे भी एक कोण है और इन दो भुजाओं के बीच में भी एक कोण है। ये दोनों जो कोण है ये कोण अलग है, कोण अलग होने से आकृतियों में बदलाव आया है। तो जो ये एल शेप में जब रखी जाती हैं एक भुजा के ऊपर दूसरी बिल्कुल सीधी एल शेप में, तो उस वहां जो कोण बनता है उसे हम समकोण कहते हैं। और ये कोण क्या समकोण से बड़ा है या छोटा है ये हम बाद में जानना सीखेंगे। तो जब भी ये भुजाएं और पास आती जाती हैं तो कोण छोटा होता जाता है, और जब ये भुजाएं दोनों दूर जाती हैं तो कोण बड़ा होता जाता है। तो पास आने पर जो कोण बनेगा, एल से पास आने पर जो कोण बनेगा उसे हम न्यून कोण कहते हैं, और एल से दूर जाने पर जो कोण बनता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो आज हम तीन कोणों के बारे में जान चुके हैं, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। जब एक भुजा के ऊपर दूसरी भुजा बिल्कुल सीधी खड़ी है, बिल्कुल सीधी, तो जो कोण बनता है उसे हम समकोण बोलते हैं, और जब वो समकोण से थोड़ा पास आती हैं तो जो कोण बनेगा उसे हम न्यून कोण कहते हैं, और जो दूर जाती हैं तो कोण बनता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो आप सभी समझ चुके हैं समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। और अब हम ये जानना सीखेंगे
कि कौन सा समकोण है, कौन सा न्यून कोण है और कौन सा अधिक कोण है। तो आप सभी बच्चों को अपने घर के अंदर कुछ ऐसी वस्तुएं ढूंढनी है जहां पे आपको समकोण दिखाई दे। आप अभी देख भी पा रहे होंगे कि जैसे इस मेज का कोना है, ये एक समकोण बना है, एक भुजा के ऊपर दूसरी बिल्कुल सीधी खड़ी है, समकोण। इस मेज के सभी कोने समकोण बना रहे हैं। दरवाजा है, खिड़की है, सभी में समकोण होता है। तो आपको 10 वस्तुएं ऐसी ढूंढनी है जिनके कोने समकोण हो और वो आपको लिखकर अपने टीचर के पास भेजनी है कि कहाँ पर आपको समकोण दिखाई दिया, किन किन वस्तुओं में समकोण है। और एक और कार्य है, आपको मैं एक पिक्चर भेज रही हूँ, उसमें आपको कुछ आकृतियां दी गई हैं और आपको पहचानना है कि किस किस आकृति में समकोण दिखाई दे रहा है। ठीक है, सभी ये कार्य करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। सभी बच्चे घर पे रहें, बाहर जाते वक्त मास्क का प्रयोग करें और अपने हाथों को बार बार धोते रहें। ओके, बाय।